आई लव यू। झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। मुझे ना जीने का एक और मौका मिला है और मैं नहीं चाहती कि आपका इस नई जिंदगी में कोई वजूद भी हो। तो जनक तुम क्या चाहती हो? जो भी चाहती हूँ, जिसे भी चाहती हूँ, लेकिन वो शख्स आप भी है। मैं आपको तो नहीं चाहती हूँ, पर बेटी हूँ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। आदित्य, और अब तीन लोगों की जिंदगी आपस में उलझी उलझी सी है, जहां अब अनी सुनाता है अपना फैसला आदित्य को। तुम जीत गए। मैं हार गया। और अब मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं। पर आदित्य को अनी की बात समझ नहीं आती। इसका क्या मतलब था? क्या झनक ने उसे अपने से जानबूझकर दूर कर दिया है? पर जो भी हो, आदित्य को अब झनक से मिलकर ही पता चलेगा कि हुआ क्या था इन दोनों के बीच, क्योंकि आदित्य अच्छे से समझता है कि जितना प्यार आज अनी ने जताया है झनक के लिए, उससे कहीं गुना ज्यादा झनक करती है अनी से भी। और अब नया सवेरा है। और मैं कम इन मैडम। आदित्य आइए। ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर ब्यूटीफुल लेडी। बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू। लेकिन तुमसे ना थोड़े से कम है ना। जैसे यार तुमने ना नींदें उड़ा दी थी मेरी। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। वो सर जी क्या सर जी, एक इंसान को पूरे दिन भर सोचती रहती होगी तुम? मतलब सपने में भी सिर्फ उसे ही देखती हो क्या? क्यों मैं पूछ नहीं सकती कि सर जी अभी भी यहाँ या चले गए? पूछ सकती हो। वैसे कल रात के बाद से मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। जानती थी। और अब आदित्य देखता है झनक को करीब से। कितनी अहमियत है अनी की उसकी जिंदगी में, पर दूरी तो आ ही गई गलत फहमियों के कारण या और कुछ। वैसे भी तो इतनी बदतमीजी से पेश आई हूँ मैं उनके साथ, पर मैं क्या करती? देखिए, मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ बार बार मेरी जिंदगी में वापस आए। मैं चाहती हूँ अपने घर परिवार में ही खुश रहे। वैसे अब तुम चिंता मत करो, अब वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। और मैं चाहती थी उनके मन में किसी भी तरीके का कोई शक ना रहे। अच्छा, वो एक बात मुझे समझ में नहीं आई, उसे तुमने इन्फॉर्म ही क्यों करवाया? क्या ऐसा कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं आदित्य, बात भरोसे की नहीं है, बात अपनी ड्यूटी पूरी करने की। और ये किस तरह की ड्यूटी है? हमारे बीच झूठी शादी हुई थी। और अब आदित्य चौंकता है झनक की इस बात से। झूठी शादी मतलब ऐसा क्या हुआ था? पर झनक चुपचाप में टूट भी गई। लेकिन आदित्य, मैंने आज तक नहीं माना है कि वो शादी टूट गई है। वो आज भी पति है मेरी। अगर मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कोई हादसा हुआ है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति को
लेकिन फोन करो तो मैंने किया उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन नहीं जनक, नहीं, तुम गलत तो नहीं हो, तुम ना अपनी जगह पर एकदम सही हो, तुम लॉयल बनी रही एंड तक, लेकिन जिसके लिए तुम लॉयल रही ना जनक, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और जिसे फर्क पड़ता है उसकी तरफ तुम देखती भी नहीं। और अब आदित्य सीधे सीधे लफ्जों में जनक से ये बात कह तो देता है, पर जनक, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आएगा जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहेंगे, हर खुशी देना चाहेंगे उसे? मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई है, एंड बिलीव मी, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला ना, तब मुझे समझ में आया कि किस दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी की डोर थमा सकता हूं, ऐसी लड़कियां भी हैं कि जो मेरे मुसीबत के वक्त में भी ना मेरे साथ में खड़ी रहेगी। एंड यस, मैं जानता हूं कि एज अ फ्रेंड तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे। मेरा तो ये मानना है कि दोस्ती दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे कीमती रिश्ता होता है। दिलासा दे रही हो ना मुझे? ये विश्वास है मेरा आदित्य। पर अब आदित्य को अनी के साथ क्या हुआ था जनक का ये भी जानना है। वैसे अनिरुद्ध से कभी दोस्ती हुई तुम्हारी? कभी नहीं। हुई होती तो तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटता, हम कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। वैसे हर रिश्ते में दोस्ती हो ये जरूरी तो नहीं, और ये जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये जरा यूनिक होता है। वो रिश्ता भी तो नहीं था हमारे बीच, हम तो कभी पति पत्नी की तरह भी नहीं रहे। हाँ शायद एक दिन के लिए थे, लेकिन वो भी तो झूठी था, और उस झूठ को मैंने अपना सब कुछ मान लिया, उसे अपनी जिंदगी का सच मानकर मैं जिंदगी जीती गई, पर वो झूठ तो था ना, तो उसका क्या कर सकते हो, उसके कोई मायने ही नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता। और अब आदित्य जनक की एक एक बात को ध्यान से सुनता है कि अनी और जनक के बीच आखिर क्या क्या हुआ था। समझ सकता हूँ मैं आदित्य, लड़की से जब मैंने इतनी बदतमीजी की ना, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, और मैंने देखा था उनका चेहरा जब वो यहाँ से जा रहे थे, और मैं क्या खट्टी, मैं मजबूर थी, क्योंकि जरूरी था उस शक को मिटाना उनके उनके मन से भी, और कहीं ना कहीं मेरे मन से भी। ये सच है कि मैंने आपको उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त बलि कुछ ऐसे थे, और उनका यहाँ आना भी लाजमी था, लेकिन जैसे इन्होंने मुझसे कहा ना कि वो मुझे अपने साथ छुट्टी पे लेके जाना चाहते क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, मुझे बहुत बेइज्जत महसूस हुआ, और मैंने न जाने क्या कुछ नहीं कह दिया उनसे। और अब आदित्य को समझ आता है कि अनी का बिहेवियर वैसा आखिर क्यों था उसके साथ। हार जीत पर उतर आया था वो, पर वो जो आदित्य ने पहले अनी से कहा था उस वक्त तो बात ही कुछ और थी, और आज बात कुछ और। पर क्या आदित्य को पता है कि ख्वाहिशें बड़ी जालिम होती है, कमबख्त वही मांगती है जो नसीब में नहीं होती है, और आज आदित्य का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो अब आगे क्या बताएगा जनक को आदित्य कि अनी ने उसकी जान बचाने के लिए क्या किया था, ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड की आज तक की जनक की अपडेट्स पर।